सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केदारनाथ सीरीज। जानता हूं वीडियो काफी ज्यादा लेट है, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो चुके हैं वीडियो आई नहीं है। तो उसके पीछे रीजन ये था, हम लोग गए थे वैष्णो देवी, वहां से आने के बाद तबीयत खराब हो गई थी। और आपको भी पता है, जब आदमी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। एज यूजल मेरा भी मन नहीं लगा था वीडियो एडिट करने का, तो काफी ज्यादा मैंने वहां पे भी थोड़ा बहुत कमी शूट किया है। अगर पॉसिबल हुआ तो वो वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा। फिलहाल अपने दुखों का मटका साइड में रखते हुए सीधा बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। भाई, सोनप्रयाग में बाइक पार्क करने के बाद चढ़ाई चालू कर दी है और जूते पहन के, रात पहन रखे थे कल पूरे दिन जूते, तो पैरों में छाले से पड़ गए थे, तो हमने ले ली भाई चप्पल। 130 रुपये का खर्चा करके, हैशटैग महंगा खर्चा करके निकल चुके हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। से गोरीकुंड के लिए जाती हैं बोलेरो वगैरह, जीप वगैरह या फिर घोड़े भी जाते हैं, क्योंकि इससे आगे व्हीकल्स अलाउ नहीं है। तो भाई हम भी जा रहे हैं, 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र है। तो इसके बाद हम भी लोग भी बैठ जाते हैं बुलेरो में। भाई बुलेरो में बैठने के बाद एक दिक्कत होती है, अगर आप पीछे बैठे हो तो वहाँ के ड्राइवर इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतने खतरनाक खतरनाक कट्स मारते हैं, टर्न्स मारते हैं कि पीछे बैठे बैठे के जो है एक बार को जान निकल जाए। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं गोरीकुंड, जहाँ तक गाड़ियाँ आती है, पीछे में गाड़ियों के लिए भी लाइन लग रही है। और व्यू दिखाता हूँ आपको, पीछे पहाड़ हैं और सबसे मेन चीज़ वाटरफॉल है, नीचे में नदी बह रही है। अब यहाँ से पैदल की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है, तो मिलते हैं आपको रास्ते में चलते चलते। कितने 400? तो हम लोग बाबा का नाम लेके चल पड़े बाबा के दर्शन करने के लिए। और भाई मज़ा पूरा आ रहा था, एक नंबर, क्योंकि ऐसी वादियाँ रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती। अभी हम तो पैदल जा रहे थे, कुछ लोग पीछे रह गए थे, और यहाँ से मिलते हैं घोड़ा पड़ा बोलते हैं इसको, यहाँ से मिलते हैं घोड़े। जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते पैदल चलने के लिए, वो यहाँ से घोड़ा करके लेके जा सकते हैं। जिनके पास अच्छा पैसा है वो घोड़े पे बैठो और चले जाओ, और जिनके पास और अच्छा पैसा है वो लोग जा सकते हैं हेलीकॉप्टर से। बाकी हर थोड़ी थोड़ी जगह पे आ रहा था वाटरफॉल यहाँ का, ऐसे समझो कि हर 2 कदम चलने के बाद आपको वाटरफॉल जरूर मिलेगा ही मिलेगा। बस यहाँ पर दिक्कत एक ही आती है ऊपर जाते हुए, कि घोड़े चलते हो तो आपको रास्ता बिल्कुल साफ नहीं मिलने का, और जो घोड़े वाले होते हैं पालकी वाले होते हैं वो आपको बिल्कुल रास्ता नहीं देते ऊपर जाने के लिए। ऑल दो वाटरफॉल काफ़ी मज़ेदार हैं, ये सब चीज़ें हैं, पर लेकिन जो घोड़े वगैरह हैं वो सामने से हट 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 करके आपको साइड कर देते हैं। कई बार तो घोड़े सिर वगैरह भी मार देते हैं, और पालकी वाले कभी कभी धक्का देते हुए चले जाते हैं आगे, वो रुकते नहीं है किसी के लिए। बाकी भाई व्यू एक नंबर है यहाँ का, मज़ा पूरा आ रहा था हमें भी चलते चलते। अभी मेरे ख्याल से हम 1 किलोमीटर ही आके आए हैं, और ऊपर जो दिख रहा है हमें ऐसे क्लाइम करते हुए हमें ऊपर जाना है। पर मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बताता हूँ, सभी लोग पीछे रह गए, 7 के 7 लोग पीछे रह गए, मैं अकेला आगे आ गया था क्योंकि वो लोग रेस्ट करते हुए आ रहे थे, मैं भी आगे आ गया, मैं आगे आके थोड़ा सा बैठ गया था और वेट कर रहा था उनका। मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट वेट किया उनका, लेकिन वो नहीं आए, तो मैंने कॉल करा और मैंने फिर फैसला किया कि हाँ मैं सबसे पहले ऊपर पहुँच के बाबा के दर्शन करूँगा। और हुआ भी यही था, मैं कल सबसे पहले ऊपर पहुँच गया था, और कंफर्टेबल के लिए हमने टांग लिया था बैग आगे, क्योंकि वेट बैग में हमारे में खूब था। और आगे वेट लगाने के बाद मज़ा अलग ही आ रहा था, क्योंकि भाई चलने में इजी हो रहा था। बाकी जो घोड़े वाले थे, मैंने बोल चुका आपको कि वो रास्ता बिल्कुल नहीं देते, तो आपको आराम आराम से चलते रहना है उनके पीछे। 6 किलोमीटर हमने ले ली लस्सी और स्टिंग, जो कि मिली हमें पूरी 100 रुपये की। भाई ऊपर जाओगे तो खर्चा तो करना पड़ेगा ही। भाई ट्रैकिंग में अलग मज़ा आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियाँ भी थी और जो फूल थे वो प्यारे प्यारे लग रहे थे। नीचे जो दुकानें थी उनके पीछे उन्होंने जो है फुलवाड़ी वगैरह लगा रखी थी, फूल वगैरह लगा रखी थी, लेकिन हमें जाना था अभी ऊपर। वहाँ देख रहे हो जहाँ मैंने जूम किया है,
वहाँ था, बेस कैंप था ये। बेस कैंप मेरे ख्याल से वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर नीचे है, ऊपर से नीचे, तो मतलब 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, तो वो लगता है लगभग लगभग आपका 10 किलोमीटर नीचे से चलने के बाद। अभी तक मेरे साथ कोई नहीं आया था, ना ही किसी का फ़ोन आया था, बस मैं चल रहा था बाबा की मस्ती में, मज़े लेता हुआ। व्यू की बात करें तो खैर व्यू की मैं कितनी ही बार बताऊँ आपको, डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं 4 शब्दों में। व्यू इतना प्यारा था और पीछे दिख रहे थे बर्फ़ के पहाड़, जो कि मेरे एक्साइटमेंट लेवल को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। और वो जा रहा येलो कलर का हेलीकॉप्टर, जो कि था हिमालयन हेल्थ सर्विस का हेलीकॉप्टर। तो जूम करने के बाद कितना अच्छा लग रहा था भाई। ये तो है आपका व्यू जो कि आप फ़ोन में देख रहे हो या कैमरे से शूट किया, लेकिन जो रियलिटी में व्यू था वो एक नंबर था। खैर स्टिंग पीते पीते हम भी चल रहे थे, स्टिंग पियो मौज करो। और भाई बाकी फेस की हालत तो खैर आपको दिखी रही है, कैसी हो? वहाँ जाना है, रास्ता काफ़ी लंबा है और ऐसे ऐसे काफ़ी सारे शॉर्टकट्स है। ये क्या हो गया? हाँ ऐसे ऐसे, जैसे ये इसके पीछे से निकल के ऊपर चढ़ना है। कोई अभी वहाँ देख रहे हैं आप, मैं अकेला था, बोर हो रहा था तो पैदल पैदल मैं चल ही रहा था, बाकी सांस भी काफ़ी ज़्यादा फूल रही थी, चलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो भाई मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका था 4 बजे वहाँ पे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने जो है साथियों का वेट करूँगा वहीं पे खड़ा होके। तो करने के लिए कुछ था नहीं तो मैं हेलीपैड के पास खड़ा हो गया, हम भी वहाँ हेलीकॉप्टर का वेट करने लगे, क्योंकि भाई बचपन में खूब देखे हैं दूर से पर इतनी पास से कभी नहीं देखा। व्यू उन तो बहुत अच्छा आ रहा था यहाँ पे, कुल वहाँ पे 6 हेलीपैड हैं आगे में और एक केदारनाथ मंदिर के पीछे में एक हेलीपैड है, वो है आर्मी वालों का। तो यहाँ पे हिमालयन हेल्थ सर्विस है जो ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे, तो उसका हेलीकॉप्टर का हम भी वेट कर रहे थे, बाकी और लोग भी रील्स वगैरह बना रहे थे तो हम भी रील्स बना रहे थे यहाँ पे। और भाई ऐसा लग रहा था पहाड़ देखने में कि इतना छोटा सा, हेलीकॉप्टर उधर से बहुत छोटा था, क्योंकि भाई फोग बादल वगैरह आने चालू हो गए थे, वो एक नंबर लग रहे थे वहाँ से एक्सट्रीम आपका व्यू आ रहा था। और वो देखो कितना छोटा सा लग रहा है हेलीकॉप्टर आते हुए, बड़ा प्यारा लग रहा था। लेकिन भाई जब लैंड करता है वहाँ पे तो इसकी जो विंग्स होती है वो इतनी ठंडी ठंडी हवा देती है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे फोन हाथ से गिरने वाला है। आप देखो हेलीकॉप्टर के मजे लो बाकी। एक्चुअल में मेरे साथ हुआ क्या था, मैं ऊपर अकेला था तो ऊपर नीचे से इन लोगों का फ़ोन आया कि आप जो है नीचे आ जाओ, लगभग 3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ा मेरे को, क्योंकि ऊपर रूम एक तो अवेलेबल नहीं थे, दूसरा ये लोग ऊपर आ नहीं पाए क्योंकि ये लोग ज़्यादा थक गए थे, तो मुझे रात को 3 किलोमीटर नीचे फिर से चल के जाना पड़ा और अगले दिन फिर से ऊपर आना पड़ा 3 किलोमीटर। तो अगले दिन जब सब लोग आ गए थे तो हमने भी हेलीकॉप्टर के साथ खूब दबा के रील बनाई, आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी। आपने नहीं देखा अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो पहले। जय हो जय हो शंकरा, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा केदारनाथ। और दर्शन करने से पहले बरार में एक झरना बह रहा था तो हम वहाँ नहाने पहुँच गए। कसम से बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था वहाँ, नहाना भी मजबूरी थी क्योंकि गर्म पानी मिल रहा था 100-100 रुपये में एक एक बाल्टी, वो ख़त्म हो चुका था जब तक हम पहुँचे थे। और बाकी हम 2 जने तो यहाँ नहा रहे थे, 2 बाकी के जने पीछे नहा रहे थे। ठंड लग गए
ठंड लग गए। महादेव वहाँ है, वहाँ है महादेव। भाई हमने किए दर्शन, दर्शन करने के बाद मैंने एकदम खुश हो गया था। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए थे। और मंदिर के पीछे का जो बर्फ़ का पहाड़ था वो काफ़ी ज़्यादा पीछे था। ये एक्चुअल में वही लोकेशन है जहाँ आपदा आई थी 2013 के आसपास, जो बादल फटा था तो वहीं फटा था वो पे। और पीछे में है भीमशिला जो आपदा के समय पे मंदिर की जिसने सुरक्षा की थी, ये वही भीमशिला। उसके बाद हमने लगवाया टीका महादेव का। महादेव का टीका वो लोग इतना प्यारा लगाते हैं कि भाई आप खुद देखना, उन्होंने कुछ ही सेकंडों में पूरे माथे पे टीका लगा दिया महादेव का। उसके बाद दर्शन करने के बाद प्रसाद लेके हम चल पड़े वापस घर की ओर, क्योंकि चढ़ाई तो हम कल आ गए। केदारनाथ बाबा जी के दर्शन कर चुके हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। मैं नीचे जाते हुए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हेलीकॉप्टर की जो सर्विस थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि इतने फोग में वो भी जो है टेक ऑफ लैंडिंग नहीं कराते, क्रैश होने का ज़्यादा डर रहता है। तो हम भी मस्ती में चल दिए थे, क्योंकि ऊपर मैं सबसे पहला आया था। दर्शन मैंने कल भी कर चुका था, क्योंकि मैं आज भी मेरे सौभाग्य में लिखा था दो बार दर्शन करने का। तो हम लोग उतरते हुए सारे साथ में थे, क्योंकि नीचे जाके कहाँ वेट करेंगे। ऊपर आकर तो हमने दर्शन कर लिए थे। अभी मस्त पूरा एकदम ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने लेदर जैकेट डाल ली और नीचे हमने अभी भी शॉर्ट्स और चप्पल पहन रखे थे। भाई केदारनाथ जाते हुए एक चीज़ का और ध्यान रखता, वहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, 24 घंटे बारिश का ही मौसम रहता है वहाँ। तो हम तीन लोग एक साथ थे, तो हमें मिली बारिश, तो हम रुक के चाय पीने लग गए। और बाकी बारिश बंद होने के बाद हम फिर से चल पड़े, हम नीचे आ गए थे हम के गोरा कुंड पे। गोरा कुंड में ऐसा बोलते हैं कि गर्म पानी रहता है, तो वहाँ पे 24 घंटे ऐसे पानी उबलता रहता है।